तो एवरेज वेलोसिटी हमने लास्ट टाइम की, एवरेज वेलोसिटी के अंदर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स या ट्रेवर्स्ड वन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस। वन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस क्या होता है? अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है तो वन हाफ डिस्टेंस कितना हुआ? एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू। तो वन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस एक्स बाय टू विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है, वन हाफ और फर्स्ट हाफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। आधा डायग्राम क्लियर है? नेक्स्ट, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ? अगला एक्स बाय टू। रिमेनिंग पार्ट का मतलब अगला एक्स बाय टू। डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। उसने ये नहीं कहा फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, उसने कहा फर्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 30, सेकेंड हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना? पहले फर्स्ट हाफ टाइम 20 और फिर 30। मींस अगर मैं पूरी जर्नी को एक्स डिस्टेंस मानता हूं, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, यहां क्लियर है? फिर जो अदर पार्ट ऑफ जर्नी हुआ एक्स बाय टू, उसमें फर्स्ट हाफ टाइम, जो अदर पार्ट है उसमें फर्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 एंड अदर हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 30। तो हमें एज्यूम करते हैं कि यहां से यहां का टाइम अगर T1 है और यहां से यहां का टाइम अगर T2 है, तो T2 का फर्स्ट हाफ टाइम क्या हुआ? T2 बाय 2। और T2 का सेकेंड हाफ टाइम क्या हुआ? T2 बाय 2। तो फर्स्ट हाफ टाइम विद अ स्पीड ऑफ 20, सेकेंड हाफ टाइम विद अ स्पीड ऑफ 30। आप ऐसा ना करें कि एक्स बाय टू को आधा आधा डिवाइड कर दें, एक्स बाय फोर, एक्स बाय फोर, गलत हो जाएगा। क्या करना है आपने? पहले इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो ठीक है ये डिस्टेंस 10, बात खत्म। जो अगला हाफ डिस्टेंस है उसको डिवाइड किया फर्स्ट हाफ टाइम एंड सेकेंड हाफ टाइम में, तो एक्स बाय टू को डिवाइड नहीं करना, हाफ टाइम है तो टाइम को डिवाइड करना है। तो टोटल टाइम अगर टी टू है तो आधा टाइम टी टू बाई टू, आधा टाइम टी टू बाई टू। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या है बोलो? एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू, और टोटल टाइम क्या है बोलो? टी वन प्लस टी टू। ठीक है, टी वन निकालना तो बहुत आसान है। टी वन कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय 10। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास क्या आ गया? टी वन की वैल्यू आ गई। टी टू कैसे निकलेगा? देखो T2 के लिए कई लोग सोचेंगे T2 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, पर टोटल स्पीड है ही नहीं क्योंकि स्पीड तो दो बार चेंज हो रही है स्पीड। तो हमें क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है? एक्स बाय टू। टोटल डिस्टेंस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस कितना है? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 20 इंटू T2 बाय टू, और ये डिस्टेंस कितना है? 30 इंटू T बाय टू। तो ये स्टेप समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस एक्स बाय टू इज सम ऑफ दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितने है? T2 बाय 2 इंटू 20, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, और ये कितने? 30 इंटू T2 बाय 2। कोई डाउट इसमें? यहां से 2 2 2 कैंसल, कॉमन निकाल लो T2, T2 की वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास T1 आ गया, अब आपके पास T2 आ गया। तो अब आप एक काम करें, टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्टेंस एक्स अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो एक्स 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 कॉमन निकाल के कैंसिल, तो यहां पर एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा। ये आपकी शीट हैंड रिटन के अंदर मेंशनड एग्जांपल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है सबको? कैसे किया? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल के बेस पे जो हमारी शीट थी सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव शीट नंबर 9, सब्जेक्टिव शीट नंबर 9, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ना 5 है, ये देखो 5। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, जो अभी मैंने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही करना है। ट्राई करें प्लीज, इस क्वेश्चन को ट्राई करें।
देखो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है कि सपोज बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स हाफ वन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस. जब वो स्टेटमेंट दे वन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो अगर टोटल डिस्टेंस x है तो आधा कितना है x by 2, आधा कितना है x by 2. तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की जो स्पीड है वो v नॉट है. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम. तो अगर यहाँ का टाइम t1 है और आधी जर्नी का टाइम t2 है, तो इसका फर्स्ट हाफ टाइम क्या होगा t2 by 2 और आधा हाफ टाइम क्या होगा t2 by 2. तो फर्स्ट हाफ टाइम t2 by 2 विद v1 और अदर हाफ टाइम t2 by 2 विद v2. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस x by 2 plus x by 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 plus t2. तो एक काम करते हैं, t2 निकालना पड़ेगा. कैसे, टोटल डिस्टेंस x by 2 इज सम ऑफ दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस. इन दोनों डिस्टेंस का सम होगा ऑब्वियसली. तो टोटल डिस्टेंस कितना है x by 2, ये वाला डिस्टेंस कितना है स्पीड इनटू टाइम यानी कि v1 इनटू t2 by 2 और ये डिस्टेंस कितना है v2 इनटू t2 by 2. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो x by 2 दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, यहां से 2 2 2 कैंसिल, सॉल्व करके क्या आ गया t2. तो अब आपके पास क्या आ गया t1, अब आपके पास क्या आ गया t2. तो t1 t2 की वैल्यू आ गई. आपने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस कितना है x by 2, x by 2, टोटल टाइम कितना है t1 plus t2. t1 हमने क्या निकाला हुआ है, टोटल x by 2 अपॉन v नॉट, कुछ ऐसे ये देखो, ठीक है. तो यहां पर टोटल टाइम निकाल रखा है x by 2 और v नॉट, तो यहां पर क्या आएगा t1 की जगह x by 2 अपॉन v नॉट और t2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी. 2 नीचे आ गया तो x डिवाइडेड बाय 2 v नॉट आ गया. तो यहां से x और x कॉमन आ गया, x x कैंसिल, तो इन दोनों का एलसीएम लिया, रेसिप्रोकल लिया, आंसर आया. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें?